नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी सी। अब देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी अगर हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं और हमने क्या किया, हमने अगर बच्चों बी को सी में ऐड किया, ठीक है ना, और उसके बाद बी प्लस सी की मल्टीप्लाई करी ए से, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, हम ये पढ़ के हैं। मतलब हमारा आंसर क्या आता है, ध्यान से चेक करिए, हमारा आंसर आता है ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी, करेक्ट, ये हमारा आंसर आता है, ठीक। अब इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू, देखो ए और हमने यहाँ से मल्टीप्लाई हटा के यहाँ ब्रैकेट लगा दिया इस तरीके से, और बी प्लस सी, ये ब्रैकेट और ए के बीच में कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, इज इक्वल्स टू, ए और बी के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी की जगह ए भी लिख सकते हैं और प्लस ए इंटू सी की जगह हम ए सी भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, अगर उन्होंने कहीं ए इन द ब्रैकेट बी प्लस सी दिया है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए बी प्लस ए सी आना चाहिए। चेक कर लो, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए बी प्लस ए सी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये आना चाहिए। इन्होंने देखो क्या किया, इनका आंसर क्या आ रहा है, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी, यहां तक तो ठीक है, प्लस ए इंटू सी आना चाहिए था, इनका क्या आ रहा है, बी इंटू सी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनका फॉल्स है, इनका आंसर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ओके, समझ गए ना, आना क्या चाहिए था, ए बी प्लस ए सी आना चाहिए था, ये ट्रू स्टेटमेंट, अगर ऐसा लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इन्होंने ए बी प्लस ए सी ना लिख के ए बी प्लस बी सी लिख दिया, तो ये फॉल्स हो गया। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।